झज्जर में 47 वर्षीय व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या। झज्जर के गांव जहांगीर में करीब 47 वर्षीय एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर यहां के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर दिल्ली निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले संबंधी बातचीत करते हुए डीएसपी अशोक कुमार ने बताया, राजेश नाम का व्यक्ति है 45-50 साल का, तो वो एक राजेश नंबरदार गांव के ही नंबरदार की जमीन को किराए भाड़े पर लेकर और वही खेतों में अपना खेती बाड़ी करके अपने परिवार का उदार कर रहा था और इसी के साथ में ही एक रामजीवन नाम का व्यक्ति है जो दिल्ली वाला दिल्ली कोट कराड़े का रहने वाला है, कोट सुल्तानपुर का, और वो अब यहीं रह रहा था गांव में ही। वो भी इसके साथ में ही जमीन किराए पर ले गए और अपने खेती बाड़ी करता था। तो ये कल शाम को आपस में बैठकर एक गांव का लड़का और सुनील नाम का, तीनों ने बैठकर खेत में उसके पर शराब पी है। शराब पीने के बाद वो सुनील अपना घर आ गया और ये दोनों वहां रह गए खेत में ही। तो इनकी किसी बात को लेकर शराब के नशे में इनका झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद जो है रामजीवन ने इस राजेश को सिर में कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी। क्या पोस्टमार्टम करा दिया गया जी? और सुबह इसके भाई मृतक के बड़े भाई अपना रमेश ने हमें इतला दी और इतला देने के बाद हमने मुकदमा दर्ज कर और उसको पोस्टमार्टम करवा दिया है और पोस्टमार्टम करवाने के बाद वारसन के हवाले डेड बॉडी कर दी है। क्या गिरफ्तारी होगी सर? और इसमें जो दोषी है वो हमने गिरफ्तार कर लिया है।